नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षर अग्रवाल। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कैसरगंज लोकसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। दरअसल महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न के आरोपों का कोर्ट में सामना कर रहे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह इस सीट से बीजेपी के सांसद हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी समेत अन्य विपक्षी दलों ने अब तक इस सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, हालांकि बीजेपी ने अब कर दी है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगी दलों के लिए 5 सीटें छोड़कर बाकी 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पार्टी ने सभी सीटों पर अब अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें रायबरेली और कैसरगंज पर आज यानी गुरुवार के दिन ही प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। कैसरगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा करने के बाद से ही ये और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गए। लेकिन इससे पहले बता दें कि इसमें देरी अब तक पार्टी आलाकमान ने क्यों की, हालांकि इसे लेकर अलग अलग तरह के दावे किए गए। राज्य की राजनीति पर नजर रखने वाले ज्यादातर विशेषज्ञों का कहना यही है कि पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह पर अब तक कोई फैसला इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि उन पर आरोप लगे थे। वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा कहते हैं कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि को ही न केवल नुकसान पहुंचा है बल्कि इसके चलते बीजेपी को भी बैकफुट पर रहना पड़ा था। चूंकि बीजेपी की रणनीति हर सीट को जीतने की है, इसीलिए बीजेपी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बीत जाने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इन्हीं दो चरणों में जाट बहुल्य क्षेत्रों में चुनाव था जहां पर पार्टी को नुकसान होने की आशंका थी। अब जब ये चुनाव बीत गया है तो पार्टी ने ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट सौंप दिया है। बता दें कि दो चरणों का मतदान हो चुका और कैसरगंज में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी बीती 26 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इलाके के मतदाताओं को उम्मीदवार के नाम का लंबा इंतजार था जो अब पूरा हुआ। इस सीट पर नामांकन की प्रक्रिया 3 मई यानी कल तक चलने वाली है। 4 मई तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 6 मई तक जो प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहेंगे वो वापस ले सकते हैं। ऐसे में एक बात तो साफ रही कि ब्रजभूषण सिंह को लेकर टिकट का जो फैसला था वो पार्टी ने बिल्कुल ही अहम मौके पर लिया, क्योंकि माना जाता था कि कैसरगंज ही नहीं बल्कि आसपास की कुछ सीटों पर उनका प्रभाव है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि लखीमपुर खीरी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे पर किसानों को कुचलने का मामला दर्ज है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी की घोषणा पार्टी ने 2 मार्च को जारी पहली लिस्ट में की थी। हालांकि इन सबके बीच ब्रजभूषण शरण सिंह इलाके में लोगों के बीच अपना चुनाव प्रचार जारी लगातार ही रखे हुए थे। बीते हफ्ते करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र में ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने सरयू डिग्री कॉलेज में उनका चुनावी मंच भी लगाया था। उस चुनाव प्रबंधन बैठक में बाईं तरफ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सी तस्वीर तो दाहिनी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह की एक तस्वीर लगी हुई थी। पहले से निश्चित समय के मुताबिक दोपहर के ठीक 3 बजे ब्रजभूषण शरण सिंह गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ कार्यक्रम में पहुंचते। वे वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये पार्टी तय करी थी कि प्रत्याशी कौन बनेगा, लेकिन कैसरगंज की माला मोदी के नाम से जाएगी। हम तरह पंदिन पीछे चल रही है। 2 मार्च को पहली लिस्ट आई थी, तब से आज तरह पंदिन बीत चुके हैं। हमें मात्र 20 दिन के अंदर 2.5 महीने का काम करना है। उन्हें भी मौजूदा असमंजस की स्थिति का पता है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी वॉक ओवर कर देगी। कोई ना कोई प्रत्याशी जरूर पार्टी ने पहले सोच रखा था जो उनके बेटे ही निकले। हमें लगता है कि 3 मई के पहले तो प्रत्याशी घोषित हो ही जाएगा। ये पूरा बयान ब्रजभूषण शरण सिंह ने लगभग 3 से 4 दिन पहले दिया था, यानी आज जब उनके बेटे करण सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है उससे पहले तक। प्रत्याशी को लेकर बड़ी जिज्ञासा लोगों के अंदर देखने को मिल रही थी। ब्रजभूषण ने कहा कि हम इतना जरूर जानते थे कि प्रत्याशी का नाम जब आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे, और जहां तक मेरा सवाल है, होइए सोई जो राम रची राखा, ये रामचरितमानस के एक दोहे का अंश है। इस बात पर उत्साहित कार्यकर्ता समर्थन में ताली बजाते हुए नारे लगाते हैं। साथ ही वो मंच से ये भी कहते हैं कि अगर तरह पर दिन से हम पीछे हैं तो हमने लड़ने वाले भी तरह पर दिन पीछे हैं। सबसे बड़ा प्रचार कैसरगंज का ई टिकटवा करावत है। कैसरगंज नाम बहुत बड़ा हो गया है। कैसरगंज का मतदाता ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़ा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। कार्यक्रम में मौजूद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक मैन बहादुर सिंह
टिकट यानी जब तक नहीं मिला था उस दौरान यहाँ सवाल उठाते हैं कि देरी क्यों हो रही है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन टिकट सांसद जी को ही मिलेगा। यानी उस वक्त भी कहीं ना कहीं ब्रजभूषण को इस बात का अंदाजा था कि बेटी को टिकट मिल जाएगा, न मिलने का सवाल ही नहीं होता ये कहते हैं। ये हो सकता है कि सांसद जी के परिवार से किसी को टिकट दे दिया जाए, लेकिन टिकट तो इन्हीं के पास रहेगा। दरअसल कैसरगंज की सीट के उम्मीदवार की जो घोषणा करने में बीजेपी ने इतना वक्त लगाया, उसको लेकर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और पत्नी को टिकट मिलने की बात पहले ही तय हो गई थी। कैसरगंज कस्बे में यहां बातचीत करते हुए एसपीएन 9 न्यूज की मुलाकात गोढ़िया गांव के निवासी 55 साल के सुंदरलाल यादव से हुई। वो अपने अंदाज में कहते हैं कि टिकट तो रायबरेली माँ भी लटका हुआ है भैया, विश खाते रहो टिकस भैया का ही यहाँ, यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह को ही टिकट कैसरगंज कस्बे में मिले। 35 वर्षीय कलाम बताते हैं कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि अच्छी है, व्यक्तिगत छवि के कारण हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के लोग इनको वोट देते हैं। श्वेत म्यानी पर दोनों धर्मों के लोगों से मिलते हैं, सबके घर जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते। अगर बीजेपी को टिकट देगी तो यही जीतेंगे, नहीं तो सपा यहां से निकाल लेगी। ये लोगों का उस वक्त का बयान है जब तक करण भूषण सिंह को टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन अब आखिरकार दे दिया है। बातचीत के दौरान लोगों ने ये भी कहा था कि प्यारपुर विधानसभा में हमें करीमुल्लारपुर निवासी राजू निषाद मिले, उन्होंने कहा था कि हमारे क्षेत्र में विकास का जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, मेरे गांव के पास ही सड़क सालों से बेकार पड़ी है, आज तक नहीं बनी, नाली का काम भी नहीं हुआ है, सांसद जी विकास के नाम पर ध्यान दिए बिना चुनाव जीत जाते हैं। वही करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र के धुपराज रक्सड़िया गाँव के पूर्व प्रधान कहते हैं कि अपने लोकसभा क्षेत्र में बच्चों के लिए ब्रजभूषण स्कूल खोले हैं, वो दंगल भी करवाते हैं, अपने लोगों का ध्यान रखने वाला व्यक्ति हो वो तो ये ब्रजभूषण ही होंगे, या मोदी जी हैं या सांसद शरण जी ही है। चुनाव प्रबंधन बैठक के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह बताते हैं, यानी कई दिनों पहले ब्रजभूषण ये कहते नजर आए थे कि पूरे क्षेत्र में मेरे 55 छोटे बड़े महाविद्यालय हैं जिसमें लगभग 1.5 लाख छात्र पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ने वाली सभी छात्र छात्राएं जो मेरी धर्मों से आते हैं वो खुद और उनका परिवार मेरा परिवार है, उनकी सुख में तो नहीं लेकिन दुख में मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, मेरे क्षेत्र के लोगों का मुझसे लगाव ही मेरा बाहुबल है। नाम न बताने की शर्त पर गोंडा जिले के एक बीजेपी कार्यकर्ता ने उस दौरान कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के कॉलेजों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे छात्र चुनाव के समय में अपने अपने गाँव में प्रचार में जुट जाते हैं, कॉलेजों के शिक्षक जातिगत समीकरण के आधार पर अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार की कमान संभालते हैं। एक तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह अपने क्षेत्र में पार्टी के समानांतर अपना ही एक अलग संगठन चलाते हैं। यहाँ देखना दिलचस्प भी है कि कैसरगंज लोकसभा सीट ठाकुर बाहुल्य नहीं है, बल्कि ब्राह्मण वोटरों की संख्या ठाकुर वोटरों से कैसरगंज में ज्यादा है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की ओबीसी जातियों में भी पकड़ अच्छी दिखती है और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। कैसरगंज और रायबरेली को अगर छोड़ दिया जाए जिन पर बीजेपी ने अभी प्रत्याशी उतारा है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर प्रत्याशी बीजेपी ने बहुत पहले ही उतार दिए थे। कैसरगंज सीट पर प्रत्याशी उतारने में देरी क्यों हुई, इस पर गोंडा के बीजेपी जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप कहते हैं कि देरी का कारण कुछ नहीं है, सांसद जी पूरे प्रयास में लगी हुई थी कि टिकट उनका ही हो जाए, उन पर जो आरोप लगा है वो गलत है तो संगठन उनको टिकट देता ही नहीं। प्रत्याशी चयन को लेकर सर्वे कराए गए हैं, बूथ स्तर से लेकर मंडल प्रभारी और जिले की पूरी टीम से सर्वे करके शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट भी भेज दी गई, जल्द ही पार्टी इसका फैसला लेने वाली थी जो गुरुवार को आखिरकार ले लिया। हालांकि उम्मीदवार के नाम का ऐलान देर से होने पर अलग अलग तरह के लोगों के द्वारा तर्क दिए जा रहे हैं, साथ ही ये बात भी है कि इससे बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। इस बारे में पूछे जाने पर अमित किशोर कश्यप कहते हैं कि जब देरी होती है तो कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी परेशान हो जाते हैं कि कब उम्मीदवार के नाम का यहाँ ऐलान होगा, कौन सा उम्मीदवार आएगा, हम उसे कैसे लड़ाएंगे। अगर प्रत्याशी के तौर पर वर्तमान सांसद जी को ही टिकट मिलना था तो ये जल्दी होता तो और भी बेहतर रहता। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9।